हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, एक वर्ड है मे बी। मे बी को आपने देखा होगा कि मे और बी एक साथ भी लिखे होते हैं और मे और बी अलग अलग भी लिखे होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े कन्फ्यूजन का कारण बन जाते हैं कि क्या करूँ मैं, मे बी एक साथ लिखूँ कि अलग अलग लिखूँ। दोस्तों, आज की क्लास में इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और ये सीखेंगे कि मे बी एक साथ लिखेंगे तो क्या मीनिंग होगा, सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, और मे और बी अगर अलग अलग लिखे हुए हैं तो उनकी किसकी क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, सेंटेंस में प्लेसमेंट कहाँ पर होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि इसमें बिल्कुल एंड तक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद तो दोस्तों, जैसा टॉपिक हमारा वो है मे बी एक साथ और मे बी हमको दोनों में से अलग अलग हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि अगर मे और बी एक साथ लिखे हुए तो उसकी क्या मीनिंग होती है। मे और बी अगर एक साथ लिखे हो तो ये एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है, नहीं तो ये एक स्टैंड अलोन वर्ड यानी स्टैंड अलोन आंसर की तरह काम करता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी से पूछ रहे हैं विल यू गो टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में जाओगे, तो अगर सामने वाला कहना चाहता है कि हाँ या ना के बीच में है वो कि जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो आपसे कह सकता है मे बी, हाँ शायद मैं जा भी सकता हूँ। तो उसने एक एक वर्ड में आंसर किया, वही एक वर्ड ही पूरा सेंटेंस हो गया विल यू गो टू द पार्टी मे बी। तो ये एक स्टैंड अलोन आंसर, स्टैंड अलोन वर्ड की तरह भी काम करता है। इसकी मीनिंग क्या होती है दोस्तों इसकी मीनिंग होती है परहैप्स। परहैप्स का मीनिंग होता है शायद, परहैप्स, पॉसिबली, यानी संभवतः, संभव हो सकता है ऐसा। तो परहैप्स या पॉसिबली मे बी की मीनिंग होती है। तो मीनिंग तो हम समझ गए। अच्छा दोस्तों, अब क्या है इसको सेंटेंस में कहाँ पर रखेंगे, जनरली सेंटेंस में क्या प्लेसमेंट होती है एक वर्ड की, ये सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मे बी को आप सेंटेंस के शुरुआत में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसका जनरल यूज़ है, जनरली इट इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सामान्य तौर पर आपको ये सेंटेंस की शुरुआत में ही लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा यूज़ वही होता है, बीच में और एंड में बहुत कम यूज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको यूज़ नहीं कर सकते, आप सेंटेंस इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आपको ये सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसकी मीनिंग होती है शायद। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो दो एग्जाम्पल्स दोस्तों, एक एग्जाम्पल है मे बी दिस इज़ ट्रू, कोई कह रहा है शायद ये बात सच है, तो परहैप्स का मीनिंग वही होता है शायद, या संभवतः ये सच है, शायद ये सच है, मे बी दिस इज़ ट्रू। तो सेंटेंस की बिगिनिंग आपको दिख रहा है और एक साथ लिखा हुआ है, इसको ऐसे यूज़ करना है। मे बी ही इज़ इल, शायद वो बीमार है, किसी के लिखा जा रहा है यार पता नहीं बहुत दिनों से देखा नहीं, शायद वो बीमार है, मे बी ही इज़ इल। तो इस तरीके से मे बी को यूज़ करेंगे जब मे और बी एक साथ लिखे हुए, ये आप समझ गए। हम आते हैं मे और बी अगर अलग अलग लिखे हुए हों तो इनकी क्या मीनिंग होती है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों, मीनिंग तो लगभग सेम ही है, शायद जब भी आपको हाँ या ना में जवाब देना हो तो आपको ये वाला मे बी या ये वाला मे बी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसी मे और बी जो अलग अलग है, इन्हीं को एक साथ करके मे बी बनाया, स्क्विश करके मे बी बनाया, तो मीनिंग में तो कोई फ़र्क नहीं है लेकिन यूज़ करने में फ़र्क है। तो मे और बी ये कैसे यूज होते हैं, ये क्या है, ये इसके अंदर एक वर्ब का फोर्स है, वर्ब की तरह काम करता है। और अगर हम इसका ब्रेकअप करें तो मे और बी में मे जो है वो एक मोडल वर्ब है और बी जो है वो एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो मे मोडल वर्ब है, बी ऑक्सिलियरी वर्ब है। मीनिंग क्या है और सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे आपको कहीं पर भी यूज़ करना हो माइट बी, माइट बी, जैसे बोलते हैं ना ही माइट बी लेट, उसको शायद देर भी हो सकती है, ही माइट बी लेट, ही माइट नॉट बी देर, शायद वो वहाँ पर नहीं भी हो सकता है। तो जब आपको माइट बी का यूज़ करना हो वहीं पर आप मे बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी माइट बी का इस्तेमाल हो सकता है वहाँ वहाँ पर मे बी का इस्तेमाल हो सकता है, यानी मीनिंग तो एक ही निकल रही है, शायद, संभवतः, ऐसे करके। तो अच्छा, इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस आपको यूज़ बता देता हूँ। मे बी जब अलग अलग लिखे हो तो इट फॉलोज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है सेंटेंस में, सामान्य तौर पर आपको ये सब्जेक्ट के बाद आता हुआ दिखाई पड़ेगा सेंटेंस में। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कोई बता रहा है दिस मे बी ट्रू, शायद ये बात सच हो सकती है। अच्छा, दिस इसमें सब्जेक्ट है तो उसके बाद मे और बी आए। अच्छा, इसी का सेंटेंस, यही सेंटेंस जब हमने ऊपर ऐसे लिखा तो कैसे सेंटेंस बना, मे बी दिस इज़ ट्रू, तब मे बी एक साथ जब यूज़ हो रहे तो सेंटेंस के पहले लगा मे बी दिस इज़ ट्रू, इसमें कैसे कहा गया दिस मे बी ट्रू, बात एक ही है लेकिन एक बार मे बी यूज़ किया, एक बार मे बी यूज़ किया, यही हमको सीखना है। मीनिंग ये लगभग एक जैसा ही है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये ज़रूरी है सीखना। तो मे बी दिस इज़ ट्रू, दिस मे बी ट्रू, दूसरा सेंटेंस था यहाँ पर मे बी ही इज़, इस बात को यहाँ मे और बी अलग अलग में कैसे कहा गया, ही मे बी इल,
वो बीमार भी शायद हो सकता है, शायद वो बीमार है, ऐसा हम इसको यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, ही माइट बी इल। तो जहाँ जहाँ माइट भी लग सकता है, मैंने आपको भी बताया, वहाँ वहाँ पर हम मे बी भी लगा सकते हैं, तो ही मे बी इल। तो दोस्तों यहाँ कहा मे बी ही इज इल, ही मे बी इल, यही है दोस्तों। एक रिकैप करते छोटा सा, मे बी एक साथ अगर लिखा हो तो इसमें एक एडवर्ब का फोर्स होता है, या एक स्टैंड अलोन वर्ड, एक अकेला वर्ड आंसर देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ओ यस मे बी ऐसे, और ये इसका मीनिंग होता है परहैप्स, जो शायद ये मीनिंग होता है इसका। जनरली ये आपको सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, मे बी दिस इज़ ट्रू, मे बी ही इज़ इल। मे और बी जब अलग अलग यूज़ होते हैं हम यूज़ करेंगे, तो ये इसमें वर्ब का फोर्स होता है, वर्ब की जैसे के जैसे काम करता है। इसमें मे एक मॉडल वर्ब है, बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और दोस्तों ये जहाँ जहाँ माइट भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर आप मे बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मे बी सेंटेंस में जब अलग अलग लिखा हो तो सब्जेक्ट के बाद आता है। एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, दिस मे बी ट्रू, ही मे बी इल, इतना ही है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज अच्छे तरीके से समझ गए कि मे बी एक साथ और मे बी अलग अलग को कैसे यूज़ करना होता है। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या कोई करेक्ट यूसेज आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये किसी ने डिमांड ही किया, आप में से किसी ने कहा था कि सर ये बता दो कि एक साथ यूज़ करेंगे तो कैसे होता है, अलग यूज़ करें कैसे होता है, तो मैंने बना दिया वीडियो। ऐसे ही अगर आपका कोई भी टॉपिक है, आप चाहते हैं मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अब जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।